हेलो जी, राधे राधे सबको। और अर्चना बुल में आपका एक बार फिर से वेलकम है। और मैं थैंक यू आपको बोलने के साथ ही शुरुआत करूंगी आगे की अपने नंबर के साथ। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने अर्चना बुल में जो चीज़ें बनती हैं, स्वेटर्स बनते हैं, उनको इतना पसंद किया। आपके रोज के अंदर के जो मैसेज मेरे पास आते हैं ना व्हाट्सएप पे, मैं रात को रीड करती हूँ बारी बारी से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कुछ लोगों के कल मिल जाते हैं, कुछ के परसों मिल जाते हैं, रोज किसी ना किसी के ऑर्डर पहुंचते रहते हैं, तो उनका जो मैसेज होता है वो थोड़ा सा और इतना बढ़िया लगता है पढ़ने में कि भाई चलो उनको भी हमारा जो उन्होंने यहाँ से मंगाया था उनको बिल्कुल फिट आया है, कोई भी साइज का अभी तक तो कोई इशू नहीं है। और टचवुड, तो आगे भी इसी तरह से बस अपना साथ आप बनाए रखिए। और जो है अपना नंबर आपको बता देती हूँ, 9456932375। फ्रेंड्स सुनिए एक बार फिर से, क्योंकि कुछ लोग अभी भी मुझे कंफ्यूजन में है कि उन्हें नंबर नहीं मालूम है। 9456932375 ये व्हाट्सएप नंबर है और बुकिंग नंबर भी है। आप इस पर स्क्रीनशॉट देके या मुझे कॉल करके या मैसेज देके आप बता सकते हैं। अपने भी डिजाइन आप इसी नंबर पे दे सकते हैं कि हमें ये वाला चाहिए। अपने अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग भी जो कुछ चाहें वो नीट यहाँ से करा सकते हैं। और टोटली हैंड निटेड है, यहाँ पे रेडीमेड कुछ नहीं है, टोटल हैंड निटेड ही मिलेगा आपको। और जो निटर्स बनाती है मशीन से नहीं बनता है। ये पूरी जानकारी देने के बाद मैं शुरुआत करती हूँ आज न्यूली बॉर्न के कुछ स्टफ से। न्यूली बॉर्न का मेरे पास बनके कई बंडल्स आए हैं, तो मैं आज आपको उससे शेयर कर लूँ थोड़े से जो न्यूली बॉर्न का स्टफ है। बहुत ही प्यारे प्यारे सेट्स हैं, तो आप एक बार देख लीजिए। और जो भी आप मुझे, एक चीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो भी चीज़ मुझे देंगे इसी स्क्रीनशॉट से देंगे, मुझे इसी वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके देंगे। पहले वाला स्टफ नहीं है फ्रेंड्स, वो ख़त्म हो चुका होता है और उसमें साइज के इशू भी होते हैं कई बार। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ, आप देख लीजिए बंडल भी। मैं आपके सामने ही, ये देखिए पूरा बंडल है, आपके सामने ही इसको खोलने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ। सर इसमें कैमरा ले आइए प्लीज़, और मैं आपको दिखाऊंगी आज न्यूली बॉर्न के कितने प्यारे प्यारे। और शुरुआत भी मैं प्यारे से एक पीस से करती हूँ। ये देखिए ब्लू कलर, ये न्यूली बॉर्न का है, न्यूली बॉर्न टू 6 मंथ, आप कोई भी मंगा सकता है इसको। ये देखिए, और इस बार तो निटर ने अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखाई हुई है कि एक छोटे से न्यूली बॉर्न जो टॉफी भी नहीं खाता है, कुछ भी नहीं खाता, उसके लिए भी इसमें पॉकेट डाल दी गई हैं। ये देखिए थोड़ा सा वर्क, क्रोशिया का वर्क भी है इसमें ऊपर से। पर फ्रेंड्स मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, अभी मैंने भी नहीं देखा था इसमें क्या चीज़ है, और मैं आपको रेंडम दिखाने लगी हूँ। तो देखिए जरा एक मिनट, ये छोटा सा जो बेबी, हाँ इसमें जो है वो निप्पल वगैरह जो होते हैं ना वो जरूर रख सकते हैं इसमें, बाकी इसमें कुछ भी नहीं रख पाएंगे। ये देखिए आप, ठीक है, लेकिन वो उनकी अपनी क्रिएटिविटी है। देखिए बुटीज हैं और कैप भी इसकी बहुत ही प्यारी एंड बड़ी भी है। देखिए आप अच्छी तरह से कवर करेगी, ये देखिए आप कितना प्यारा है। और स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे दे सकते हैं, 380 की रेंज है, रेंज भी अभी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और एक ये देखिए आप कितना प्यारा सेट है, बेबी सेट न्यूली बॉर्न के लिए। ये देखिए आप बहुत ही सुंदर है, बनी का पैटर्न है इस पर, एंड ये देखिए बुटीज एंड कैप का कितना प्यारा पैटर्न है, और अच्छी खासी इसकी बड़ी कैप भी है। स्क्रीनशॉट लेके मुझे दे सकते हैं, रेंज वही है 380 वाली। और मैं एक एक करके आपको सभी दिखा रही हूँ जो मेरे पास नीटर्स मेरी नीट करके लेके आए हैं। ये देखिए आप कितना प्यारा है, क्योंकि किड्स का फ्रेंड्स ये होता है कि न्यूली बॉर्न को आप क्या पहनाते हैं ना, जो बहुत छोटा पहनाते हैं उसको क्या पहनाते हैं, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगना चाहिए। भाई ये चीज़ इन सेट्स में ध्यान रखा गया है कि कलर कॉम्बिनेशन और सब चीज़ें इसमें जो है ध्यान रख के बनाई गई हैं। देखिए इसकी कैप भी है इसके साथ, ये है, एंड इसकी बुटीज भी हैं, ये हैं, ठीक है। देखिए आप कितना सुंदर सेट है, बहुत ही प्यारा है। एंड देखिए कितना जरा सा हल्का सा इसमें गाजरी कलर का टच ऑफ वाइट में दे दिया, तो ये कितना सुंदर बन के आ गया। मैं खुद हैरान हूँ कि कितना प्यारा बना हुआ है इसको देख के। ये देखिए आप गाजरी कलर एंड ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन, ये कैप है, ये इसकी बुटीज हैं, बिल्कुल न्यू स्टफ है जो अब की बार निटर्स ने बनाया है, बिल्कुल न्यू स्टफ बना के मुझे दिया हुआ है। ये देखिए आप ट्विंस के लिए भी मंगा सकते हैं, ये देखिए आप ट्विंस के लिए भी मंगा सकते हैं इसमें। देखिए आप बहुत ही प्यारा है, वूल भी इसकी बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है, देखिए एकदम, ये देखिए वूल भी एकदम सॉफ्ट है, कोई चुभेगी नहीं, कोई रेशा नहीं, कुछ नहीं इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं दिखाती हूँ आपको एक एक करके, बहुत प्यारे प्यारे सेट में आपको आज दिखाने वाली हूँ, बस आप सिर्फ देखते रहिए। ये देखिए कितना प्यारा है डिज़ाइन पैटर्न, बिल्कुल गफ, ये देखिए बच्चे को कहीं से भी ठंड इसमें लगने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, और अर्चना बुल से तो आप फ्रेंड्स अब इतनी बार दो दो तीन तीन चार चार बार आपने ऑर्डर किया हुआ है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, आपने खुद भी स्टफ देखा हुआ है यहाँ का, इसमें मुझे भी कोई एक्सप्लेन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सेट देखिए। एंड अगर आपको कोई चीज़ इसमें से पसंद आती है तो आप मुझसे यहाँ से मंगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए आप तीन तीन चार चार पीस एक उसके पीस के मैं बनवाती हूँ फ्रेंड्स, पहले से ही ये मुझे बनवाना होता है क्योंकि कई बार ट्विंस का जाता है या कई बार दो दो पीस भी जाते हैं। देखिए आपने जो ब्लू कलर देखा उसी में पीच कलर है, देखिए कितना सुंदर है,
बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सेट बन के आए हुए हैं। ये देखिए आप, ये 0 साइज टू 1 ईयर के बेबी को भी हो जाएगा। देखिए इसका डिजाइन देखिए, एंड बुटीज ये साथ में इसके अटैच है, गिरे ना इसलिए इसको हम लोग इसमें अटैच रखते हैं साथ में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसको देखिए, अल्टीमेट पीस, छोटे बेबी का भी कॉलर पैटर्न बना दिया है। देखिए क्यों, हम लोग थोड़ी फैशन करेंगे, फैशन में तो छोटा बेबी भी रहेगा ना हमारा। ये देखिए आप, हम ही थोड़ी फैशनेबल कपड़े पहनेंगे। ये देखिए आप, इसीलिए उन्होंने इसके कोट कॉलर इसको पैटर्न दे दिया है। कोट ही ये लग रहा है, इसका लुक भी कोट का ही है। और ये 0 साइज टू 6 मंथ के बेबी को आराम से हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, ये रहा, रेंज वही है 380 की रेंज में। ये पीसीज जो मैं आपको दिखा रही हूँ 380 की रेंज में है फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे बन के आए हुए हैं। ये देखिए रेड कलर में, जवाब नहीं है इस पैटर्न का, इस डिजाइन का, इतना प्यारा लग रहा है ये। और बुटीज अटैच है, ये देखिए साथ में, ये देखिए छोटा सा कैप भी है। ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे सेट्स हैं फ्रेंड्स, आप देखते रहिए। और मुझे स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ आपको भेजना होता है कि हमें ये चाहिए, एंड साइज मैं आपको बता चुकी हूँ, रेट मैंने आपको मेंशन कर दिया है। ये देखिए आप, ये देखिए कितनी प्यारी कैप बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर सुंदर सेट है। मैं खोलती जा रही हूँ तो मुझे खुद नहीं पता कितने प्यारे प्यारे बन के आए हुए हैं सेट। ये देखिए अलग ही डिजाइन है बिल्कुल। आप अपने बेबी के लिए अगर कुछ यूनिक, कुछ हटके चाहते हैं तो इन सेट्स में से आप बुक कर सकते हैं। ये देखिए आप, कितना प्यारा है, डबल शेड में है। हमारा बेबी भी तो प्यारा लगना चाहिए ना, कि हम उसको क्या चीज़ पहना रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि हम ही फैशन के कपड़े, या हम ही जो कितना बढ़िया सा बन के क्यों रहे, बेबी क्यों नहीं बनेगा, बेबी भी तो बढ़िया बन के लगना चाहिए ना, हमारा बेबी है वो। ये देखिए आप, कोट पैटर्न है ये, देखिए कितना सुंदर है, कोट का ही डिजाइन डाला हुआ है, एंड बुटीज भी कोट इसी पैटर्न में बुटीज है, एंड इसी पैटर्न में। देखिए कैप कितनी प्यारी है, देखिए 1 ईयर के बेबी को भी आ जाएगा फ्रेंड्स। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, जो भी आप सेट देख रहे हैं ये 1 ईयर के बेबी को आराम से हो जाएगा, मतलब 0 टू 1 ईयर के बेबी का ही हम एवरेज लेके चलते हैं। लेकिन जो मैं आपको ये वाला दिखाया है, ये 0 टू 6 मंथ का है। ये देखिए आप, छोटा सा है, बहुत प्यारा है, एंड ये देखिए इसकी कैप एंड इसकी बुटीज कितनी प्यारी है, देखिए आप। तो इसमें जो है इतने प्यारे प्यारे कलर, इतनी प्यारी प्यारी जो गिफ्ट्स के बन के आए हैं, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए आप, देखिए कितने सुंदर सुंदर डिजाइन है। ये विदाउट हुडी है, मैंने पिछली बार जो आपको स्टफ दिखाया था वो हुडी वाला था, मैं आपको उसका बता भी देती हूँ, वो इस तरह का था हुडी वाला। ये देखिए आप, इसमें भी कोई मंगाना चाहता है तो इसमें भी ग्रीन, रेड, येलो, लेमन, जो भी कलर इसमें मंगाना चाहे इसमें भी मंगा सकता है। 0 साइज टू 1 ईयर, ये मेरा पहले वाले का था स्टफ जो था, लेकिन जो न्यू आया है वो मैंने आपको दिखाया। देखिए कितने प्यारे प्यारे सेट मैं आपको दिखाती आ रही हूँ। देखिए आप, 0 टू 6 मंथ एंड 0 टू 1 ईयर के बेबी को ये आराम से होने वाला है। 380 की रेंज है फ्रेंड्स, बार बार बता रही हूँ, 380 की रेंज है, आप इसको मंगा सकते हैं। इसमें कोट पैटर्न में भी है, ये देखिए मैंने आपको दिखाया ना अभी, ये कोट पैटर्न है। स्क्रीनशॉट लेके मुझे दे सकते हैं आप इसमें से, जो आपको पसंद आता है। देखिए आप, तो सुंदर सुंदर पीच कलर, देखिए अल्टीमेट पीस है। केबल पैटर्न जो है वो बिल्कुल कभी भी, वो एवरग्रीन है, वो कभी सालों से चला आ रहा है, लेकिन अभी भी वो एंड नहीं होता है, वो किड्स में भी और बड़ों में भी सब में चलता है। देखिए केबल पैटर्न, ये देखिए आप ब्लू वाले पीस में, कितने सुंदर सुंदर पीस मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें से आप जो चाहें अपने बेबी के लिए, अपने क्यूटी पाई के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। यूनिसेक्स होता है इसमें, कोई नहीं कि आप इसको लड़के को पहनाए, बेबी बॉय को पहनाए या बेबी गर्ल को पहनाए, ये सेट सबके लिए है। तो आप इसमें से जो भी बुक करना चाहें, और भी हैं बहुत बहुत हैं फ्रेंड्स, पूरा बंडल मेरे पास इस चीज़ का रखा हुआ है, मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है। आप इसमें से देखिए आप, ऑरेंज और बुटीज का, ये ऑरेंज और ग्रीन की बुटीज में ही देखिए आप, जवाब नहीं है इस पीस का, मुझे ही इतना प्यारा लग रहा है। ये क्रीम कलर है इसका ऑफ वाइट में, एंड ये बुटीज है इसकी, और ये इसकी कैप है ऑरेंज कलर में है। देखिए आप कितने प्यारे प्यारे, ये देखिए रेड में न्यूली बॉर्न के लिए, ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर सुंदर सेट है फ्रेंड। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, बंडल तो मेरे पास बहुत है, मैं आपको दिखाऊंगी, और भी नए नए हैं इसमें, और भी नए होंगे। तो फ्रेंड्स मेरा ये कहना है कि आप जो भी यहाँ से मंगाना चाहें अर्चना मूल से, आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। बुकिंग नंबर मैंने आपको बता दिया है, और कभी भी डाउट में ना रहे कि यहाँ से आपको ख़राब चीज़ मिलेगी, ख़राब बिल्कुल नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। मैं अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करती हूँ कि आपको अपना बेस्ट दूँ, और यही चीज़ मेरा फंडा भी यही है कि आप लोगों को कभी भी कोई वैसी चीज़ ना मिले। और जो साइज़ का इशू की बात ये आती है कि जो अगर आपको साइज़ अपना पता है, सपोज़ कि कोई एक्सल किसी को आता है सूट में जो स्ट्रेचेबल नहीं होता, और एक्सेल उनको आता है, तो उनको जो वूल का है
वो एक्सेल आ जाएगा उनको, क्योंकि वूल और कपड़े में फर्क होता है। वूल स्ट्रेचेबल होती है, फुली स्ट्रेचेबल, तो वो थोड़ा लूज भी होता है, जो एक्सेल है वूल का वो लूज भी होगा, वो बिल्कुल टाइट फिटिंग का नहीं होता है। तो आप एक्सेल अगर मंगा रहे हैं तो बेफिक्र होकर, एक्सेल अगर आपका साइज है तो आप एक्सेल मंगा सकते हैं। डबल एक्सेल वालों का जो साइज है वो डबल एक्सेल में मंगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और फ्रेंड्स, जिस चीज की आपको नीड है, सपोज कि आपको नीड स्वेटर्स की है या जैकेट की है, तो ये फ्रेंड्स एक बात मैं रिक्वेस्ट के साथ आपसे कहना चाहूंगी, हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट के साथ, कि ये अर्चना वूल है, ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन तो है नहीं, तो वहां पे तो आप कुछ भी आपने शौकिया मंगाया और रिटर्न डाल दिया, चला गया आपका रिटर्न। लेकिन अर्चना वूल में ऐसा होता है कि आपने कोई कार्डिगन शौक में मंगाया है कि देख लेते हैं, अगर हमें पसंद आया, कलर पसंद जचा तो हम इसको रख लेंगे और अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे। ये जो पॉलिसी है प्लीज यहां मत कीजिए, क्योंकि जो आपने कार्डिगन सिर्फ शौक के लिए मंगाया है वो किसी और की रिक्वायरमेंट है, किसी को उसकी जरूरत है। वो बार बार मुझे फोन करते हैं कि आपने हमें ये वाला नहीं दिया, आप हमें बनवा दीजिए। पता चलता है कि आप उसको सिर्फ चेक किया आपने और वो फिट है, बिल्कुल आपको बढ़िया आ रहा है, लेकिन आपने सोचा चलो छोड़ो, हम तो मंगाते रहेंगे, इसको हम रिटर्न डाल देते हैं। उसमें आपका ही लॉस है, क्योंकि जो आप रिटर्न वहां से डालेंगे उसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलेगा कैसे, आप 200-300 उसका डालेंगे तो अर्चना वूल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है ना। और अगर आपको वास्तव में नीड है कि आपको कोई पीस यहाँ से छोटा चला गया है, एक्सेल की जगह आपको लार्ज मिल गया है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अर्चना वूल ले लेगा कि भाई आप उसको रिटर्न डाल दीजिए, उसका पूरा पेमेंट आपको मिलेगा, आपका रिफंड भी होगा और उसमें कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन अगर आप शौक के तौर पे मंगाते हैं तो दूसरे का जो ऑर्डर है वो रह जाता है। फ्रेंड्स, अभी किसी मैडम ने जो है बहुत प्यारी सी कार्डिगन उन्होंने मंगाया और जैकेट मंगाई थी उन्होंने, हालांकि उन्होंने बहुत सामान मंगाया मुझसे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये मुझे कुछ लगा कि टाइट है, मैडम वूल है ये वॉश होने के बाद खुल जाता है। लेकिन उसमें मैंने देखा है कि जब वो मैंने खोला रिटर्न में, तो मैं सच में बताती हूँ आपको कि ईश्वर मतलब सामने है, मैं आपको बताती हूँ, उसमें कोई भी जरा सा भी इशू नहीं था। उन्होंने कहा कि बस मैंने ऐसे ही वापस कर दिया वो, कि मैं और कलर में ले लूंगी जब आपके पास आएगा। बट मैडम, उसने जो जिसने बंदे ने ये बुक किया था ना, उनका ये ऑर्डर रह गया, उनको तो नहीं मिला ना ये, तो वो बेचारे मुझे अभी बोल रहे थे। फिर कल मैंने उनका नंबर ढूंढ के उनको मैसेज किया है कि मैडम ये, मैंने उनको बता दिया कि मैडम किसी ने मंगाया था, उन्होंने ये रिटर्न कर दिया है, पता नहीं क्यों रिटर्न किया है, अगर आप इसके लिए रिक्वायर है, आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं। उन्होंने तुरंत ऑर्डर कर दिया मैडम, बिना पूछे उस मैडम ने ऑर्डर कर दिया है और उनके पास आज डिस्पैच होके ये जाने वाला है। एक सिर्फ एक इशू, एक यही आया था कार्डिगन और जैकेट का। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत कीजिए, अर्चना वूल से वही स्टफ मंगाइए जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। रिटर्न पॉलिसी है, मैं ये नहीं कहती कि रिटर्न पॉलिसी नहीं है, रिटर्न है। अगर कोई साइज का इशू है तो आपका यहाँ रिटर्न जरूर होगा। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मैं करती ही नहीं हूँ, क्वालिटी आपको एवन दूंगी। आप कमेंट्स पढ़िए कितने प्यारे प्यारे लोगों को स्वेटर्स मिले हैं, जो क्वालिटी मैंने बोली है वही क्वालिटी आपको दूंगी, क्वांटिटी नहीं, मैं क्वालिटी में बिलीव करती हूँ, वही चीज़ है। तो प्लीज़ आप जो है औरों को भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए ना, कि उनको भी एक मौका मिलना चाहिए कि भाई अर्चना वूल में किसी ने कोई कार्डिगन मंगाया है, किसी बंदे को रिक्वायरमेंट नहीं है, उसने शौक में मंगा लिया है कि वापस कर देंगे कोई बात नहीं देख के, लेकिन दूसरा उससे वंचित रह जाता है। बस यही चीज़ मुझे नहीं चाहिए अर्चना वूल में, आप लोगों के सपोर्ट से ही अर्चना वूल आगे बढ़ रहा है। इस साल बहुत आप लोगों का सपोर्ट मिला, उसके लिए आपका थैंक यू है। पर रिक्वेस्ट भी मैं यही आपसे करती हूँ, प्लीज जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है वही चीज़ आप यहाँ से ऑर्डर कीजिए और आप मंगाइए उस चीज़ को, मना नहीं है यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो किड्स का है, चाहे कार्डिगन जैकेट से, ठीक है। और लार्ज और मीडियम में कुछ कार्डिगन्स बचे हुए हैं, अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है लार्ज मीडियम में तो कर सकता है, बिल्कुल एवन पीस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से करवाइए, उनके फ्रेंड्स से करवाइए, क्योंकि चैनल जो है वो आप लोगों से ही है और अर्चना वूल भी आप लोगों से ही है। आप यहाँ से स्टफ मंगा रहे हैं, आपको नया नया, मैं तो खूब चाहती हूँ कि आपको मैं बहुत नई नई चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड कराऊँ, आप उससे हैप्पी दिख रहे हैं, हैप्पी बहुत लोग हैप्पी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टेटस भी कई बार मैं लगाती हूँ आप लोगों के, तो आप पहन के मुझे जब भेजते हैं उस पीस को, वो भी स्टेटस मेरे फ़ोन में होता है। तो बस मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। कोई इशू नहीं है अर्चना वूल में, कोई अता पता वाली बात भी नहीं है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है और रजिस्टर्ड है अर्चना वूल की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप जब आना चाहें अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, जब चाहें आप आ सकते हैं। अर्चना वूल, ग्रीन सिटी मार्केट, रुड़की रोड, शॉप नंबर 6, मेरठ, 25001, यहाँ आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप विजिट कीजिए। उसके बाद जब आपको लगे, आपको तसल्ली हो जाए कि यहाँ सब कुछ जेन्युइन मिल रहा है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। बाउंडेशन कुछ नहीं है आपके साथ कि मैं और नई नई ऑर्डर आपको भेज रही हूँ, आप यहाँ आइए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए, लीजिए यहाँ से, ये एक परमानेंट एड्रेस है, कोई टेम्परेरी एड्रेस नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी डाउट नए कस्टमर्स के लिए भी है कि कोई भी डाउट अपने मन में ना पाले, और जो आपके ऑर्डर्स हैं, जो आपके बुक हो रहे हैं, तो अफरा तफरी प्लीज मत मचाइए। बहुत से लोग मुझे दो तीन दिन बाद ही फोन करके बोल रहे हैं कि हमारे ऑर्डर का क्या रहा, मैडम टाइम लगता है बनने में ना, नीटिंग है वो, हैंड नीटिंग मशीन से नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के चलिए, आपके सबके ऑर्डर आपको बारी बारी से मिल जाएंगे। 100-150 ऑर्डर अभी बुक हुए हैं,
तो ये बहुत ऑर्डर्स हैं जो लिटर्स अभी लगा बनाने में लगेंगी, अभी इसमें 4-5 दिन बाद स्टार्ट करेगी, तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, आपके ऑर्डर आपको मिल जाएंगे। ये मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि फरवरी में आप बुक कर दीजिए, आपको मिलता रहेगा, पूरे साल यहाँ से मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत बोली मैं आज आपसे, तो थैंक यू आपने सुना और ध्यान से मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ और नया लेके। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।